फक मार दिया था इस छपर जी ने, खोल दिया सारा सिस्टम दे। तो मैंने तो सोच लिया था कि आज बस में जाना पड़ेगा, बाइक हुई है इसमें 60 बजी है, इसमें प्रॉब्लम है। सर्विस 3000 की और ये 2300 का, ठीक है देख लो। हाँ तो गाइस कैसे सब, तो गाइस आज का सीन को जैसे है, जैसे आपको मैंने बताया था जो भी बाइक का इंसिडेंट हुआ था, तो हमको पठानकोट जाना है और बाकी सर्विस वगैरह भी आ गई थी दोनों बाइक की, तो वो सर्विस के लिए भी जा रहे हैं। आप 10:30 बजे के राउंड राउंड तो पहुंच ही जाएंगे, 10:30 इतना तो टारगेट है ही अपना, क्योंकि रोड भी ठीक हो गया है मैक्सिमम काफी हद तक, और बाकी कोल्ड स्टार्ट दोनों बाइक कर दी है। तो इसकी मैंने पता करा था ना वायरिंग वगैरह चेक होगी, और इसका तो सर्विस है, वायरिंग चेक होगी और सर्विस है साथ, शॉर्ट जैसे मारा था ना इसने यहाँ जैसे चल गया था कुछ इसमें, और इसमें इंश्योरेंस क्लेम करनी है और साथ में सर्विस भी है, और साथ में ना वो जो एक गियर्स जो स्मूथ नहीं है, तो वो स्मूथनेस भी नहीं है गियर्स में, तो वो सब चेक होना है, तो दोनों की सर्विस भी साथ में करा लेंगे और बाकी जो हल्का फुल्का काम है वो भी करा लेंगे। तो देखते हैं बाकी निकलते हैं, अभी मैं और आयुष दोनों जा रहे हैं, सीधा निकलते हैं, सफर बड़ा लंबा है, 10:30 बजे का टारगेट है, 10:30 बजे के राउंड राउंड पहुंचना है उधर। जैकेट पहनते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो वो इसके अंदर है, ग्लव्स मैंने इस पे लेदर पॉलिश करा था, अब और मतलब घैंट लग रहे हैं फुल पावर, और इसके ना खुशबू बड़ी अच्छी है जो लेदर पॉलिश है ना उसको करने के बाद, और हाथ लगाने में इन हैंड फील जो है हाथ लगाने से पकड़ने में मजा आ रहा भाई, घैंट लग रहे हैं। नॉर्मल मैंने साफ करे जो मिट्टी वगैरह थी, और आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी वगैरह तो लग नहीं रही है, ये जो है ना वेंट्स दिए हुए टीपी प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे मिट्टी थी वो भी मैंने साफ कर दी फुल पावर। देखा हुआ बाइक मैंने वॉश वगैरह नहीं करी है, बड़ी गंदी हालत है बाइक, ये टूट के हुआ ना पानी लगने की वजह से स्पार्क वगैरह हो सकता था कोई भी, क्योंकि उसमें तो पता ही स्पार्क की प्रॉब्लम, उसका तो पता लगेगा वहां जाके। अब इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, ये है भाई 4 लेन, क्या ही मजा आएगा यार सीरियसली, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं 4-5 महीने का सर्विस के लिए आऊंगा ना, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा यहाँ पे। ऐसे रोड पे लगता मेरे को डर भाई, पहुंच गए फिर गंदे मिट्टी वाले रोड पे, गिल्ले रोड पे पाँव भी गंदे हो जाएंगे, फ्रंट ब्रेक लगाई नहीं इधर। जय श्री राम भाई क्योंकि ऐसी जगह पे मेरे से फ्रंट ब्रेक लग जाती है गलती से, क्या भाई था फिर ले ले। और अरे ट्रक वाले भाई गिल्ला कर रहे हैं ना रोड, ट्रक वाले भाई चुपका रहने दो, अच्छा है भाई ब्यूटी देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़, अरे भाई भाई भाई, भाई मस्त। होगा ही हाईवे लास्ट टाइम से जा भाई साहब, यार ये बस इस तरह से हाईवे बढ़ जाए ना एक बार, फिर तो पठानकोट आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जहाँ पे पैच आ रहा ना वहाँ पे मैं टाइम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कवर करना बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा ग्रिप छूट गई नहीं मेरी एकदम से, ऐसे ना डाउन हो गया, मैं सोचा ये क्या हुआ, चाचा क्या कर रहा रहा भाई, ऐसे घुस जा रहा इधर उधर। भाई साहब क्या ही धूल थी यहाँ पे, बढ़िया यार अंकल है, क्या बंदा होगा यार अंकल वहाँ।
पूछ निकल गया आके, मैं उसका वेट करने खड़ा था और जब वो आया ना उस टाइम पे बस सामने लगी थी और वो निकल गया। मैंने सोचा था यहाँ पे खड़े होंगे, फोटो वगैरह लेंगे, बट चलो कोई नहीं, आते टाइम देखते हैं। जल्दी से पहुँच गया शोरूम 11 बजे से पहले, मैंने बोला था ना 11 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। फक भाई मार दिया था इस छपरी ने, मेरे को देख के हंस रहा है भाई। क्या भाई क्यों पंप हो जाते हो भाई, केडीएम को देख के क्यों पंप हो जाते हो? स्माइल देखा कैसे पास की इस बंदे ने। हाँ जी कैसे हो? कैसे हो? तो गाइस अभी पहुंच गई है बाइक यहाँ पे और बाकी गियर शिफ्टिंग का है मेन, तो ये तो चल बन जाएगा, पर गियर शिफ्टिंग का मेन वो कराएंगे। बाकी हालत चेक करो यार एक बार, कितनी गंदी है यार बाइक की फ्रंट से देखो भाई हैं, और यहाँ से देखो क्या ही बुरा हाल है यार बाइक का। सीरियसली हाथ लगाने को मन नहीं कर रहा है, वो तो फिर भी ठीक लग रही है थोड़ी बहुत है। फर्स्ट बाइक की सर्विस हो गई है RC125 की और उसका जो फ्यूज का इशू था ना वो भी ठीक हो गया है। अभी दोनों वॉशिंग पे गई है, RC390 का हो गया अब सर्विस वगैरह, उसकी भी सर्विस है। जय श्री राम। गाइस देख रहे हो इधर रैली है और इस रैली में वो देखो दूर तक भाई, अब हाइपर व्यू में तो आपको पता लग नहीं रहा होगा बट पूरा रोड पे बस यही रैली चली हुई है। ये रैली हो रही है यहाँ पे, पुलिस भी साथ में चली है, पुलिस की गाड़ियाँ बीच में चली हैं, स्टार्टिंग में भी पुलिस की गाड़ियाँ चली हैं और एंड पे भी टेल पे भी पुलिस की गाड़ियाँ चली हैं और साथ में एम्बुलेंसें भी बीच में भी चली हैं, आगे भी चली है, पीछे भी चली है। सेफली ये रैली की जा रही है, मज़ा आ गया यार, पूरा घूस बम्स आ रहे हैं मतलब ऐसे देख के। सीरियसली भाई देख रहे हो? तो गाइस अभी मैं आपको सीन बताता हूँ। ये देखो भाई इसकी जो गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी ना वही है, इसमें 60 बजी है, इसमें प्रॉब्लम है, यही बताइए चेंज करने को, बाकी कोई दिक्कत नहीं, गियर शिफ्टिंग फिर सही हो जाएगी। ये जल गया यार, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये देखो अंदर जला और स्मेल बड़ी गंदी है। मतलब टेस्ट राइड पे गया था ना भाई तो उस टाइम पे निकला भी ये धुआं, अभी पता लगा। गाइस 2300 रुपये का ये ठीक है, 700 रुपये ये डल रहा है नया ठीक है, ये खराब हो गया ना बाइक का तो ये नया डल रहा है। सर्विस 3000 की और ये 2300 का ठीक है, देख लो इसको डालते हैं देन उसके बाद चेक करेंगे फिर की प्रॉब्लम हुई सही कि नहीं हुई। खोल दिया सारा सिस्टम देख, मैंने तो सोच लिया था कि आज बस में जाना पड़ेगा, बाइकें दोनों यहाँ पे छोड़नी पड़ेंगी बट चलो। ये देखो गाइस ये अभी भाई ने निकाला ना यहाँ पे, देखो जल के ना पूरी खत्म हो गया भाई, ये स्मेल आ रही है गंदी। तो गाइस ये है ठीक है, इसको चेंज कराया है, बाकी भाई आपने क्लेम देना मेरा कछा चलो थमने लग जाएगा ये भाई, रेडी हो रहा थोड़ा ओपन ही हो गया चलो कोई नहीं ये पता लग गया ना, झूठ नहीं बोलना झूठ बोलना, तेरा कभी कोई नुकसान झूठ नहीं बोलना भाई, पता लग गया चलो बाकी अभी बाइक का कर लेते हैं ये, देन उसके बाद देखते हैं फिर लगा के कि हो गया रिपेयर या नहीं। अभी का सीन कुछ ऐसा ना यार, इस बाइक का ऑल ओके है, परफेक्ट है ये बाइक, ऐसे क्या आपको बताइए हमेशा से ठीक है। और बाकी ना इस बाइक को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, इसको यार 1 वीक के राउंड राउंड लगेगा, मतलब आज वेडनेसडे है ना, अगले वेडनेसडे तक ही ये बाइक क्लियर होगी, क्योंकि इसका वो शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है तो वो एक शाफ्ट चेंज होगी, वो है नहीं अभी तक बाइक के पास की प्रॉब्लम है एक शाफ्ट की, तो वो है नहीं स्टॉक में, वो आएगी देन उसके बाद बाइक सही हो जाएगी, मतलब इंश्योरेंस का ये क्लेम क्लूम करना है वही है, यहीं पे खड़ी ये बाइक। बाकी शादी हुई है सौरभ भाई की तो अभी मिठाई लेके आ रहे हैं, मिठाई लेने गए हैं ना सौरभ भाई, मिठाई लेने गए हैं तो मिठाई खाएंगे भाई, कॉम्प्लीट शादी की खुशी में हमें मिठाई खिलाएंगे। थाईलैंड गए हैं हां, बोले रुको किस किस को देनी है, एन पिंदा कोगनी पिंदा ये कुछ भी नहीं पिंदा, इसमें क्या है क्या मिठाई है इसमें, ए हे मिठाई ला ले बड़का मिठाई लो, बर्फी है। तो गाइस अभी रूम से निकल आए हैं, ये थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था तो ये वो सब लिया है, शॉपिंग वगैरह करनी थी थोड़ी सी, अब आराम से चलेंगे। बाइक अपनी को छोड़ आए हैं यार हम 390 को, वो एक हफ्ते के बाद ही आएगी अब, क्योंकि शाफ्ट उसकी खराब है तो शाफ्ट है नहीं स्टॉक में तो वो भी डलेगी। लंडुआ